बीच हुए मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों की जमकर धुनाई की। भारत के 358 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम महज 55 रन पर आउट हो गई। इस साल के विश्व कप में एक परंपरा शुरू की गई कि मैच खत्म होने के बाद स्वर्ण पदक दिया जाएगा। भारत और श्रीलंका मैच के बाद उस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक दिया गया जिसके श्रीलंका के खिलाफ मैच से बाहर होने की आशंका थी। भारत और श्रीलंका मैच के बाद फील्डिंग कोच आर श्रीधर इस बात को लेकर असमंजस में थे कि जिस खिलाड़ी को मेडल दिया गया है उसे प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा या नहीं। कोच श्रीधर ने इस मेडल के लिए दो नाम चुने थे, पहला रविंद्र जडेजा और दूसरा श्रेयस अय्यर। यह अवार्ड श्रेयस अय्यर को दिया गया। पिछले मैचों में अय्यर प्रदर्शन पर नजर डाले तो पाकिस्तान के खिलाफ अय्यर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया था। श्रीलंका के खिलाफ मैच में अय्यर ने टीम का स्कोर 350 के पार ले जाने में आक्रामक भूमिका निभाई। सुमन गिल और विराट कोहली के आउट होने के बाद अय्यर ने बेमुश्किल स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। अय्यर ने अपनी 86 रनों की पारी में 6 छक्के और 3 चौके लगाए।